नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जिंद महापंचायत में राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा कृषि कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी दी है। जिंद महापंचायत में उन्होंने कहा है कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो नरेंद्र मोदी सरकार का सत्ता में बने रहना मुश्किल है। महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि हमने अभी सरकार से बिल वापसी की बात कही है, अगर हमने गद्दी वापसी की बात कर दी तो सरकार का क्या होगा। इससे पहले बुधवार को जिंद में आयोजित किसानों की महापंचायत में केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया। महापंचायत में किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। इसके अलावा लापता किसानों का पता लगाने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश सरकार का आदेश, हिंसक प्रदर्शन करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान 2 महीनों से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इसी बीच हिंसक प्रदर्शन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है और ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही वह किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भी भाग नहीं ले पाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 26 जनवरी के बाद किसानों के गायब होने का मामला, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी की 115 लोगों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद हुई हिंसा के बाद से गायब लोगों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन से जुड़े ऐसे 115 लोगों की लिस्ट जारी की है और इस 26 जनवरी की घटना के बाद से ही कई किसान नेता लापता हैं और अभी तक उनसे जुड़ी कोई जानकारी उनके परिवारों को नहीं मिली है। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के समर्थन में आई कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बाद अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा है कि 1 महीने पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला किया गया था, अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हर संभव संशोधन का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। रिहाना थनबर्ग के बाद अब कमला हैरिस की भांजी के बयान से साफ है कि लगातार खींच रहे आंदोलन को लेकर अब दुनिया में आवाजें उठने लगी हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत विरोधी साजिश पर बोले अमित शाह, कहा कोई भी दुष्प्रचार हमारी एकता नहीं तोड़ सकता। जी हां दोस्तों, देश के आंतरिक मामलों में बढ़ रहे विदेशी दखल यानी इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग की हरकतों पर गृह मंत्री अमित शाह का सख्त बयान आया है। भारत के निजी मामले यानी किसान आंदोलन पर बिना वजह बयानबाजी करने वाली पॉप गायिका रिहाना सहित मशहूर विदेशी हस्तियों के दुष्प्रचार पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि कोई भी प्रोपगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता है और ना ही कोई भारत को नई ऊंचाई पाने से रोक सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक ट्विटर के जरिए यह जवाब दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ट्रैक्टर परेड हिंसा में मोस्ट वांटेड चल रहे दीप सिंधु ने जारी किया नया वीडियो। किसानों ने कहा सच को करो स्वीकार।
जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिंधु के बारे में कोई भी सूचना देने वाले के लिए दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। हालांकि पुलिस के ऐलान के बाद भी दीप सिंधु सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो में उसने खुद को बेकसूर बताया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति दीप सिंधु की गिरफ्तारी करने में उनकी मदद करेगा उसे 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी छोड़ने वालों पर बोली ममता बनर्जी, पूंछ जलेगी तब पता लगेगा, जल्द लंका कांड होगा। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस में लालची लोगों के लिए जगह नहीं है, यहां टिकट बिक्री के लिए नहीं है, बल्कि जो जनता के साथ हैं उन्हें ऐसे ही टिकट मिल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी बदलने वाले नेताओं पर भी कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो भरेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग बीजेपी में गए हैं वो तब समझेंगे जब उनकी पूंछ जलेगी। यानी पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल जोर पर है, जमकर प्रचार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी कार्यक्रम में बुधवार को अलीपुरद्वार में एक रैली की और टीएमसी छोड़ने पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लालची थे वो चले गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस में लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अब यासीन मलिक की पत्नी मुशाल ने उगला जहर, कहा पाकिस्तान भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते करे खत्म। जी हां दोस्तों, अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ अपने सभी राजनीतिक संबंध खत्म कर लेने चाहिए। कश्मीर के लिए एकजुटता दिखाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान सरकार को शिमला समझौतों को भी रद्द कर देना चाहिए। मुशाल ने लाहौर में धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। वहीं जमात इस्लामी के महासचिव अमरुल अजीम ने कहा है कि इमरान सरकार का कश्मीर प्रति प्रेम दिखावटी है। प्रधानमंत्री को अवैध रूप से हिरासत में लिए गए कश्मीरी नेताओं यासीन मलिक, सईद अली शाह गिलानी, आशिया आंद्राबी और अन्य की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंग सान सू की पर लगा यह कानून तोड़ने का आरोप, एनएलडी नेता ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में 10 साल पहले लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई थी, लेकिन देश में एक बार फिर सैन्य शासन लौट आया है। सोमवार के तख्तापलट के बाद बनी सैन्य सरकार पिछले साल के चुनाव में कथित धोखाधड़ी की जांच की योजना बना रही है। अचानक सामने आए घटनाक्रम के बीच देश की एक अदालत ने आंग सान सू की पर आयात और निर्यात कानून तोड़ने के आरोप में कार्यवाही की है। अमेरिका की पूर्व सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव ने बुधवार को यह जानकारी साझा की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली से लेकर बिहार तक बदला मौसम का मिजाज, यूपी सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर बदल गया है। अब फरवरी माह के शुरुआती दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बुधवार की शाम के समय कई राज्यों में बादल छाने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज से 5 फरवरी तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन गई है। इस कारण न सिर्फ बारिश होगी बल्कि अगले 24 घंटों में शीतलहर से भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी आई कमी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में कीमतों में गिरावट के बाद दिल्ली में सोना 232 रुपए की गिरावट के साथ 47,387 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं बात करें चांदी की तो आज चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। चांदी 1,955 रुपए कम होकर 67,605 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबार में यह 69,560 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में तख्ता पलट के लिए सैन्य नेताओं पर तय करेंगे जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार में निर्वाचित
शासन प्रमुख को हटाने की 1 फरवरी की सेना की कार्यवाही से अन्य तख्ता पलट है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संवाददाताओं से कहा है कि अमेरिका स्टेट काउंसलर आंग सान सू की सहित असैन्य सरकार के नेताओं के हिरासत में लिए जाने से चिंतित है। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद हमारा आकलन है कि निर्वाचित शासन प्रमुख को हटाने की 1 फरवरी की बर्मा की सैन्य कार्यवाही सैन्य तख्ता पलट के समान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नई ऊंचाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 50,000 के पार बंद, 3 दिन में करीब 4,000 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी को पेश हुए बजट के बाद से ही शेयर बाजार को पंख लग गए। आज भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है, सेंसेक्स 50,000 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं आज ही सेंसेक्स ने अपना रिकॉर्ड हाई 50,526 को भी छुआ है। निफ्टी जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार ने आज नई ऊंचाइयों को छुआ है। बजट से लेकर अब तक सेंसेक्स 3,970 अंक चढ़ चुका है, जबकि निफ्टी 1,155 अंक उछल चुका है। बजट के दौरान सेंसेक्स 2,315 अंक चढ़ा था, जबकि मंगलवार को सेंसेक्स 1,197 अंक चढ़ा था, जबकि आज 558 अंक चढ़कर 50,256 पर बंद हुआ है। निफ्टी 142 अंक चढ़कर 14,790 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुरानी कार देखकर नई कार खरीदने पर फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या है सरकार की स्कीम। जी हाँ दोस्तों, जब से सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यानी गाड़ी के लिए कबाड़ नीति का ऐलान किया है, लोगों के मन में 100 तरह के सवाल घूम रहे हैं जिसके पास पुरानी गाड़ियां हैं। क्योंकि अगले साल से जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो 15 साल से पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों का रखरखाव थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने पर सरकार इंसेंटिव भी दे सकती है। दरअसल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना कई गुना तक महंगा हो सकता है। पुरानी निजी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की लागत 8 गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी गाड़ियों पर रोड टैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी अलग से लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। LIC के पॉलिसी धारकों को बड़ा तोहफा, IPO में मिलेगा रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, LIC पॉलिसी धारकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बहुत अच्छा प्लान LIC ने लॉन्च किया है। दरअसल सरकार LIC का IPO लाने का जो प्लान बना रही है उसमें पॉलिसी धारकों का रिजर्वेशन कोटा तय किया जा सकता है। खबरों की माने तो IPO में 10% का कोटा LIC के पॉलिसी धारकों के लिए तय किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपन्न प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव तुहिन कांत पांडे के मुताबिक जिस तरह से खुदरा निवेशकों को सरकारी कंपनियों के IPO में 10% का रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह से LIC के पॉलिसी होल्डर्स को भी IPO में रिजर्वेशन मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, सूर्य नगरी के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका सवाल आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।